हमने सोचा कि आपको एक सर्वाइवल टेक्निक बहुत काम की बताएं कि जो बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन चूंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वहां पे इस तरीके से आग जलाने का कोई तरीका किसी को आता नहीं है। आजकल मार्केट में इस तरह के चाकू बहुत ज्यादा मिल रहे हैं कि जिनमें एक तरफ तो चाकू होता है और साथ उसके एक छोटी सी डिवाइस होती है, ये इसको फायर स्टार्टर कहते हैं, आग जलाने का एक आला, बेसिकली लोहे और मैग्नीशियम का एक रॉड होता है जिसको आप जब इस चाकू के साथ या किसी भी लोहे के टुकड़े के साथ रगड़ते हैं तो ये इसके अंदर से शोले निकलते हैं और उन शोलों के जरिए फिर आप आग जला सकते हैं। कोई भी चीज चिंगारी गिरती है और किसी भी खुश घास के ऊपर, रुई के ऊपर या थोड़ा सा कोई भी मटेरियल जो आग जल्दी पकड़ लेता है उस पर जब आप ये चिंगारी डालेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। मगर इसमें कुछ चीजें बहुत समझने वाली हैं। लोगों ने टूल्स जमा किए होते हैं, उसका इस्तेमाल उनको नहीं आता। यहां पर मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा करीब आइए। आप अगर इस छोटे से आयरन रॉड को देख रहे हैं तो देखिए कि इसके ऊपर ये काला रंग लगा हुआ है, ये काले रंग का एक पेंट होता है और उस पेंट को जब उतारे तो उसके नीचे ये आपको एक सिल्वर कलर का ये मैग्नीशियम का या लोहे का एक रॉड मिलता है, फेरस रॉड है या मैग्नीशियम रॉड है। आग इससे निकलती है, जब लोहा इस मैग्नीशियम रॉड के साथ टच करता है तब शोला निकलता है। ये जो ऊपर कोटिंग होती है, जब तक ये कोटिंग लगी हुई है उस वक्त तक आप जितना मर्जी इसके ऊपर रगड़ते रहें ये शोला नहीं निकलेगा। लोग गलती ये करते हैं कि दो चार दफा ट्राई करते हैं शोला नहीं निकलता, कहते हैं जी ये तो काम ही नहीं कर रहा। आपको पहले कई दफा रगड़ के इसके ऊपर ये जो काला रंग लगा होता है जो उसकी हिफाजत के लिए उसको निकालना पड़ता है, नीचे जब मैग्नीशियम आ जाए, ये सिल्वर आपको चमकता हुआ नजर आ रहा हो, इसके बाद आप एक लोहे का टुकड़ा इस पर रख के जब जबरदस्ती जोर से इसको रगड़ेंगे तो शोला आपको निकलता हुआ नजर आएगा। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि रॉड को आप एक जगह महफूज कर एक पकड़ के रखें मजबूती से और चाकू को या लोहे के टुकड़े को आप नीचे लेके जाए जैसे ये, या दूसरा लोहा या खंजर जो है चाकू जो है उसको एक जगह पे रखें और टुकड़े को अपनी जगह उसको खींचे अपनी तरफ। दोनों तरीके काम करते हैं। जब जगह तंग हो तो आपको चाकू एक करीब रख के आके इसको खींचे तो ये शोला उसके अंदर डायरेक्ट जाएगा। आप देख रहे हैं कि शोला किस तरह निकल रहा है। कई दफा ट्राई, बाद वक्त नहीं निकलता, कई दफा ट्राई करें शोला निकलता। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की वो ये कि जब आप अपने साथ आग जलाने का सामान रखें, चाकू या ये फायर स्टार्टर, तो बेहतर ये होता है कि घर से ही थोड़ा सा उसके लिए ईंधन फ्यूल साथ लेकर आ जाएं। हमने ये फ्यूल ये बनाया हुआ है कि देखिए आप रुई है, सिंपल रुई, उसके अंदर हमने वैसलीन लगाई हुई है। वैसलीन चूंकि पेट्रोलियम जैली होती है लिहाजा बड़ी तेजी से आग पकड़ती है, तो ये थोड़ी सी रुई और पेट्रोलियम जैली हमने साथ रख ली और इसको अपने साथ हम अपने सर्वाइवल बैग के अंदर आमतौर पर रखते हैं, क्योंकि बाद औकात लकड़ी गीली होती है, पत्ते गीले होते हैं, उनको आग लगाना मुश्किल हो रहा होता है, आपको खुश पत्ते या लकड़ी ढूंढना मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा आपको एडिशनल फ्यूल बीच में मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। लोग इसका तरीका, एक मोमबत्ती भी है, मोमबत्ती भी आप रख सकते हैं, क्योंकि मोमबत्ती जो है वो आग अगर पकड़ ले एक दफा तो बड़ी देर जलती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता आसपास खुश पत्तों को लकड़ी को जलाने के काम आती है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो आज आपको करके दिखाया, इसको डेफिनेटली सीखें, क्योंकि फील्ड में आउटडोर्स में जहां पे आपके पास माचिस नहीं है, लाइटर नहीं है और आपके पास सिर्फ एक चाकू है इस तरह का, ये बियर ग्रिल की वीडियोस में भी आपने देखा होगा वो इसको इस्तेमाल करता है, ये बियर ग्रिल वाला ही नाइफ है गर्भ का, तो इसमें आपको सिर्फ ये दो आइटम चाहिए, एक आपका चाकू, चाकू ना भी हो तो कोई भी लोहे का टुकड़ा काम कर सकता है, लेकिन असल चीज ये फेरस रॉड है, ये मैग्नीशियम रॉड है जो ये काम करती है। आप इसको रखें अपने फ्यूल के नजदीक, रख के जोर से आप इसको रखें तो ये आग पकड़ लेती है, जैसे हमने पहले आपको दिखाया था चिंगारियां इस पे गिर रही हैं, ये आग पकड़ लेगी, इसको करें तो ये, और अगर ये आग नहीं पकड़ रही तो हम थोड़ा सा इसमें अपना फ्यूल और डाल देंगे, वो एक्सपेरिमेंट हमने आपको पहले करके दिखाया हुआ है। हम थोड़ा सा फ्यूल इसमें और डाल दें अपनी हमारी ये, अब जाहिर है ये तो हमने यहां पर बड़ी आग नहीं बनानी थी, सिर्फ आपको आग लगाने का तरीका सिखाना था, वरना इसके साथ आप खुश लकड़ियों का ढेर रखते हैं, जैसी वो आग पकड़ती है फिर आप उस आग को बुझने नहीं देते, क्योंकि ये बार बार आपको जलाना नहीं होता। और ये इसने आग पकड़ ली, इतनी आग पकड़ ली तो ये काफी है, बाकी अब आपने इसको संभाल के रखना है, इस पर आप कुछ पत्ते डालें, इस पर आप लकड़ियां डालें, लेकिन अब बुझने नहीं देना आपने, ये आपका काम है। और ये आपने आग जलाने का तरीका सीख लिया, एक फायर स्टार्टर और अपने चाकू से
एंड नाउ यू शुड लर्न इट, प्रैक्टिस इट इसके, लेकिन सेफ एनवायरमेंट में, ऐसा ना हो कि आग लगाने के चक्कर में आप दाएं बाएं आग लगा दें। अल्लाह आपका हाफिज़ और मालिक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।